गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। और मेरे शुरुआती दोहे से आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु यानी बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो सबसे पहले बात तो उस दोहे के भावार्थ की जो शुरुआत में हमने कहा। भावार्थ यह है कि यदि ईश्वर और गुरु दोनों एक साथ मिल जाएं तो गुरु का वरण श्रेष्ठ होता है, क्योंकि गुरु की प्रसन्नता से परमात्मा की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। इसके विपरीत गुरु की नाराजगी प्रत्येक उपलब्धि में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक यही सूत्र बृहस्पति ग्रह के बारे में भी लागू होता है। शायद इसीलिए बृहस्पति को शुभता के मामले में अग्रणी रखा गया है। इनकी दृष्टि संबंधित भावों और कारकत्वों का उत्थान कर देती है। इनके गोचर की अनुकूलता सभी शुभ कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए हमारे तमाम दर्शक इनके गोचर फल को जानने के लिए प्रतीक्षारत रहते हैं। तो आइए आप सबकी प्रतीक्षा को समाप्त करते हुए बृहस्पति यानी गुरु के कन्या राशि के गोचर की चर्चा कर ली जाए। 11 अगस्त 2016 को देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं और ये 12 सितंबर 2017 तक इसी राशि में रहेंगे। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव में रहेगा। बृहस्पति आपके तृतीय स्वाष्टेश बुध की राशि में रहेंगे, अतः पराक्रम में वृद्धि व विरोधियों से संघर्ष करने की क्षमता का विकास आप में होगा। हालांकि यथासंभव आपको विवादों से बचने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन यदि विवाद हो ही जाते हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, समय आपका मददगार है। कार्य क्षेत्र विशेषकर नौकरी के लिए भी समय अनुकूल है। दूर देश से संबंधित कामों में आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक व पारिवारिक मामलों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। भाग्य स्टार की बात करें तो बृहस्पति 5 में से 4 नंबर आपको देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और उपाय की बात करें तो पुजारी को कपड़े और चंदन यदि आप भेंट करते हैं तो आपके जीवन में और भी शुभता आएगी। और अब बात कर ली जाए वृष राशि की। वृष राशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। यह आपके धनेश और पंचमेश की राशि में होंगे, अतः लाभ की स्थितियां मजबूत होंगी। संतान और शिक्षा से जुड़े मामलों में भी अनुकूलता बनी रहेगी। पराक्रम करने पर धन की अच्छी प्राप्ति संभावित है, क्योंकि गुरु आपका अष्टमेश भी है, अतः कुछ अड़चनों का आना स्वाभाविक है। अष्टमेश की प्रथम भाव पर दृष्टि कभी कभार स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी दिखा सकती है। विशेषकर पेट व पांव की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी होती नजर नहीं आ रही है। भाग्य स्टार की बात करें तो बृहस्पति 5 में से 4.5 नंबर तक आपको दे सकते हैं। और उपाय की बात करें तो पुजारियों और साधुओं की सेवा करना आपके लिए शुभ रहेगा, आपके जीवन में शुभता लाने वाला रहेगा। और अब बात कर ली जाए मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा, अतः आपके कर्म और दाम्पत्य स्थान को यह प्रभावित करेगा, अतः कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, की गई मेहनत रंग लाएगी, पदोन्नति भी संभावित है। यदि आप नौकरी या व्यापार में कुछ बदलाव या पूंजी निवेश करने की सोच रहे हैं तो समय अच्छा है, कर सकते हैं। बड़े अधिकारी और शक्ति संपन्न व्यक्तियों से आपका जुड़ाव होगा। मान सम्मान में वृद्धि भी संभावित है और साथ ही नई गाड़ी या नए घर में रहने का अवसर भी आपको मिल सकता है। किसी धार्मिक स्थल के निर्माण में आप सहयोग कर सकते हैं। और बात करें भाग्य स्टार की तो बृहस्पति 5 में से 4.5 नंबर तक आपको दे सकते हैं, अतः पुरुषार्थ करके इन नंबर्स को, इन अंकों को उपार्जित करें। उपाय की बात करें तो अपने चरित्र को पवित्र बनाए रखते हुए जब भी मौका मिले मंदिर में जाकर चने की दाल का दान करना बिल्कुल ना भूलें, यह आपके जीवन में शुभता लाएगा। और बात कर लें कर्क राशि। कर्क राशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है, आपके छठे व नवम भाव को प्रभावित कर रहा है, अतः आपके भीतर एक नए उत्साह का संचार होने वाला है। लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास में आकर पड़ोसियों और भाइयों से विवाद करने से आपको बचना होगा। हालांकि यात्राओं के माध्यम से काम बनेगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके ही यात्रा करना उचित रहेगा। मित्र भाइयों और सहयोगियों से आवश्यक होने पर आपको सहयोग मिल जाएगा। यदि अविवाहित हैं तो विवाह के योग निर्मित होंगे, अन्यथा विवाहित होने पर वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। लाभ के अवसर भी मजबूत होंगे। भाग्य स्टार की बात करें तो गुरु ग्रह आपको 5 में से 4 अंक तक दे सकते हैं।
और उपाय की बात करें तो देवी दुर्गा की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा, साथ ही साथ कन्याओं को मिठाई और फल का दान करना भी आपके जीवन में शुभता लाएगा। ऐसा करने पर आपके जीवन में और शुभता बनी रहेगी। और अब बात कर ली जाए सिंह राशि। सिंह राशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है, आपके पंचम व अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, अतः आर्थिक मामलों में आप के मददगार बनेंगे, आप धन की बचत कर सकेंगे, साथ ही कहीं से अचानक धन की प्राप्ति भी संभावित है, रुके हुए पैसे भी आपको मिल सकते हैं, आप धन को परिजनों के हित के लिए खर्च भी कर सकते हैं, घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, घर में किसी बच्चे की पैदाइश के योग भी बन रहे हैं, प्रेम प्रसंग में भी अनुकूलता रहेगी, हालांकि वाहन चलाते समय आपको थोड़ा सा सावधानी भी रखनी होगी, थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, ऐसा बृहस्पति महाराज संकेत कर रहे हैं। और भाग्य स्टार की बात करें तो गुरु ग्रह आपको 5 में से 4.5 अंक तक दे सकते हैं। और उपाय की बात करें तो जब भी अवसर मिले पुजारी को पीले रंग के कपड़े जरूर दान करें, ऐसा करने से और भी शुभता आपके जीवन में आएगी। और अब बात कर ली जाए कन्या राशि। कन्या राशि वालों, बृहस्पति आपके पहले भाव में गोचर करने वाले हैं, ये आपके चतुर्थ और सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, अतः आपके मनोमस्तिष्क को पूरी तरह से चैतन्य बनाएंगे, बल्कि मस्तिष्क की प्रसन्नता भी आपको देंगे। आप अपने कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के कारण घर परिवार के माहौल को बेहतर बना पाएंगे। यदि अविवाहित हैं और विवाह की उम्र है तो विवाह के योग बनेंगे। प्रेम प्रसंग के लिए भी गोचर अनुकूलता लिए हुए है। परिवार में कोई शुभ संस्कार भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि व पदोन्नत के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। और भाग्य स्टार की बात करें तो गुरु ग्रह आपको 5 में से 4.5 अंक तक दे सकते हैं। और अब आपको बता दिया जाए उपाय के बारे में। तो जब कभी ऐसा लगे कि बृहस्पति की कृपा आपको कम मिल रही है तो आपको गायों की सेवा करनी चाहिए, और साथ ही साथ जो जरूरतमंद लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी मदद जरूर करें। ऐसा करने से आपके जीवन में और भी शुभता आएगी। और अब बात कर ली जाए तुला राशि। तुला राशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है, यह आपके तीसरे व छठे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इस भाव में बृहस्पति के गोचर को अधिक शुभ नहीं माना गया है, अतः आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी रह सकती है। कुछ लोगों के कारण आप बेवजह परेशानी उठाने के लायक रहेंगे, कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं, आपके जीवन में थोड़ी सी भाग दौड़ रह सकती है, दूर की यात्राएं हो सकती हैं, उन यात्राओं में से कुछ यात्राएं बेकार की भी रह सकती हैं, इसलिए सूझबूझ के साथ यात्राएं करें, पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाकर रखें और बेकार के खर्चों पर आपको अंकुश लगाना होगा, ऐसा करके आप बेहतरी का अनुभव कर पाएंगे। आपके लिए भाग्य स्टार की बात करें तो गुरु ग्रह आपको 5 में से 3 अंक दे सकते हैं, तथा और भी बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए आपको साधुओं और गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, इससे आपके जीवन में शुभता आएगी। और अब बात कर ली जाए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपके लाभ भाव में हो रहा है, बृहस्पति आपके दूसरे और 5वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं, अतः आर्थिक मामलों के लिए यह गोचर अनुकूलता लिए हुए है। धन कमाने का कोई नया रास्ता आपको मिल सकता है। यदि आप शिक्षा या संतान को लेकर कुछ करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, और इस अवधि में आप में दार्शनिकता की झलक भी देखने को मिल सकती है। यदि आपकी उम्र विवाह की है और आप इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ घर में कोई मांगलिक कार्य भी संभावित है। भाग्य स्टार की बात करें तो गुरु महाराज आप पर काफी प्रसन्न लग रहे हैं, वह आपको 5 में से 5 अंक तक दे सकते हैं, तो कीजिए पुरुषार्थ और उपार्जित कीजिए गुरु की पूर्ण कृपा। फिर भी कभी ऐसा लगे कि इस समय गुरु आप पर पूर्णतः प्रसन्न नहीं लग रहे हैं तो पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, इससे आपके जीवन में शुभता आएगी। और अब बात कर ली जाए धनुराशि। धनुराशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान में हो रहा है। बृहस्पति आपका राशि स्वामी और चतुर्थेश है, अतः आपके कर्मों में तुलनात्मक रूप से शुद्धता का आना स्वाभाविक है, जिससे आपके जीवन में अच्छे परिणाम तो मिलेंगे ही, आप अपने जीवन के स्तर को बेहतर कर सकते हैं। आप व्यापार व्यवसाय में बहुत अच्छा करेंगे। यदि आप अपने काम धंधे को विस्तार देने की सोच रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के अच्छे योग हैं। व्यापार और नौकरी के सिलसिले में की गई यात्राएं सफल होंगी। मान सम्मान, घरेलू जीवन, वाहन और भूमि भवन आदि के मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलते नजर आ रहे हैं। और भाग्य स्टार की बात करें तो आपके राशि स्वामी हैं गुरु महाराज,
और ये आप पर पूरी तरह से प्रसन्न होकर आपको 5 में से 5 अंक देते प्रतीत हो रहे हैं, फिर भी कभी ऐसा लगे कि इस समय गुरु पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं लग रहे हैं, तो धार्मिक स्थानों में बादाम जरूर बांटें। ऐसा करने से आपके जीवन में और भी शुभता आएगी। और अब बात कर ली जाए मकर राशि। मकर राशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपके नवम भाव में हो रहा है। बृहस्पति आपके द्वादश व तीसरे भाव के स्वामी हैं, अतः यह गोचर आपको मिले जुले परिणाम दे पाएंगे। एक और यह गोचर आपको भाग्योदय में आपके सहायक तो बनेगा ही, आपके भीतर आत्मविश्वास और उत्साह भी जगाएगा। वहीं कुछ मामलों में बेकार की यात्राएं भी आपको करवा सकते हैं ये गोचर। हालांकि आप किसी धार्मिक या सामाजिक क्षेत्र के मुखिया या संत के संपर्क में आ सकते हैं और उनसे जुड़ करके कुछ बेहतर भी कर सकते हैं। पड़ोसियों से संबंधों को सुधार करके उनके साथ मिल करके आप कुछ अच्छे कामों को अंजाम भी दे सकते हैं। भाग्य स्टार की बात करें तो बृहस्पति ग्रह आपको 5 में से 3.5 अंक देते हुए नजर आ रहे हैं। पुरुषार्थ करके आप अंकों के प्रतिशत को और भी बढ़ा सकते हैं। उपाय की बात करें तो मांस मदिरा से आपको बचना होगा, बहते हुए पानी में चावल बहाना आपके लिए शुभता लाएगा। और बात कर ली जाए कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। बृहस्पति आपके दूसरे और लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं, अतः इस गोचर का संकेत यही है कि आपको आर्थिक मामलों में बड़ी ही सावधानी से काम लेना होगा। हालांकि अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है, फिर भी जहां तक संभव हो कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना है। अगर करना ही हो तो बहुत ही सूझबूझ के साथ कोई छोटा मोटा निवेश आप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे परिजनों के साथ आपका मन मुटाव हो। हालांकि गूढ़ विद्याओं के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है या गोचर इस मामले में आपकी मदद भी कर सकता है। आप किसी साधना इत्यादि को करने का मन बना सकते हैं। इस गोचर का संदेश यह भी है कि आपको आत्मनिर्भर रहना होगा, दूसरे के भरोसे नहीं बैठना है। भाग्य स्टार की बात करें तो बृहस्पति ग्रह आपको 5 में से 2.5 अंक यानी आधे अंक दे सकते हैं। पुरुषार्थ करके आप अंकों के प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं। और उपाय की बात करें तो घी आलू और कपूर मंदिर में दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। और अब बात कर ली जाए अंतिम राशि यानी मीन राशि। मीन राशि वालों, बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। यह आपका राशि स्वामी होने के साथ साथ कर्मेश भी है, अतः कार्य क्षेत्र के लिए यह गोचर काफी अनुकूल रहने वाला है। आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति होगी, आपके काम धंधे भी बेहतर होंगे। यदि किसी नए काम के बारे में सोच रहे हैं तो उनमें भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। यदि उम्र विवाह की है और आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो यह गोचर इस बात को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। विवाहित लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, नवीन प्रेम की भी संभावना है। मान सम्मान में वृद्धि के योग भी प्रबल होंगे। भाग्य स्टार की बात करें तो आपके राशि स्वामी गुरु महाराज आप पर पूरी तरह से प्रसन्न होकर आपको 5 में से 5 अंक तक दे सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ करिए और पूर्णांक उपार्जित करिए। फिर भी कभी ऐसा लगे कि इस समय गुरु प्रसन्न नहीं लग रहे हैं तो भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो आशा है बृहस्पति का यह गोचरफल आपके भविष्य निर्माण में सहायक बनेगा। इसी शुभकामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति और हमारे वीडियोस को निरंतर देखते रहने के लिए एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।